ये देखो जी भाइयों, 6 खोड़ तैयार कर दिए हमने। ये दिखा दो, पानी दे दिया साथ के साथ, और इनमें जो है जो पोहे बच रहे हैं और ये भी ला। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, आज अपने खेत में ही चल रहा कार्य है और आज की वीडियो है बिल्कुल अलग हटका है। भाइयों दोपहर के 1 बज रहे और नई वैरायटियां जो हम लगाते हैं उसमें कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी आदमी को झेलना पड़ जा। उसी को लेकर दूसरी चीज़ एक और है, पिछले साल का अनुभव भी और अब का भी एक चीज़ देखी हमने, अगर किसी खेत का जमा वो ही बिगड़ गया तो वो खेत ठीक नहीं हो पड़ेगा, चाहे उसमें आप कुछ भी कर लो। जो अच्छा जमाव होकर खेत चलता है शुरू में अच्छी तरीके से, वो चीज़ अलग है, और जो एक बार खेत बिगड़ जाए उसमें आप सुधार करो वो चीज़ अलग होती है, बिल्कुल उसमें मैंने अंतर देख लिया। तो बात है भाइयों, नई वैरायटी लगाई थी 11082 महाराष्ट्र से आई थी, 4 दिन 5 दिन का तो लगभग 1 हफ्ता मान लो पूरा बीज आता है दरअसल सूखा हुआ, और फिर वो काट के बो दिया तो बारिश पड़ गई थी, वो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, और बारिश हल्की रहेगी कुछ, इस खेत में जल भराव की समस्या रहती है, तो डर के मारो हमने पानी नहीं दिया 8 दिन, और 8 दिन में वो बारिश हल्की होने के कारण से गन्ना अपना सूख गया इसमें और जमाव हो गया बहुत ज़्यादा प्रभावित। तो जब इसमें जमाव नहीं आया भाइयों, उससे बाद में 2 पानी दिए, सोचा कि भाई निकल आवे जितना निकल आवे, लेकिन उससे बाद में इसमें खरपतवार हो गया, अभी दिखाते हैं आपको। तो भाइयों ये खरपतवार जो है अब नड़वाया है ढंग में, और मैं इसमें आज सुबह से लगवाया हूँ। परली तरफ तो भाई इसमें 11015 भी नहीं जमा था, वो असोची गन्ना था, पानी की समस्या सेम थी। तो इधर जो थे 7 खूड में 11015 लाख है, हावड़ों से खोद के दोबारा दाब दिए मैंने, और इसमें मैंने कर दी सिंचाई। अब इसमें पूरे खेत में था, नीचे से खरपतवार निकलवाया। इधर 11 खूड थे भाइयों, 13 खूड 11082 के, इनमें क्या करा जा रहा। इधर जो है भाइयों, मैं दिखाता हूँ खूड में इस तरीके से कहीं कहीं पे पोहे खड़े, ये देखो जी छिद्दा छड़ा घास में निकला जो। तो भाइयों देखो, जो नुकसान जमाव नहीं हुआ वो तो हो दिया, ये देखो कितने छिद्दे छिद्दे पोहे खड़े यहाँ पे। तो आज साथ के साथ तो भाइयों पानी चलाया खेत में, और इन्हें जो है सिंगल बर्ड से बोवाया है गलूरी, एक एक पौधे को फावड़े से उतार रहे, और दूसरे खोड़ में इधर जो है गड्ढे कर रखे, देखो इनमें रख रहे हैं साथ के साथ में चला रखा जी पानी। तो भाई ये 3 खोड़ तो मैंने भर दिए, अब इधर शिफ्ट करने में ये हरे होंगे सूखेंगे वो तो देखो अपना नसीब है, बाकी की जो बीच में 7 खोड़ है अभी अपने पास में बीज भी है, तो इसमें आज शाम को 13235 लगा देंगे, तो यो खेत जो है डंडने का नहीं कि पूरे साल वही खेत बेकार हो गया। अब ऐसा मैं 5 खूड़ इधर कर लूँगा, ये जो होना होगा हो जाएगा, और जो इसमें पहले से ही खड़े वे होंगे वे हो जाएंगे, तो बाकी का खेत का नुकसान बच जाएगा। 7 से 8 खूड़ ये खाली पड़े रहते, पेड़ी की भी समस्या, फिर अगली बार को बोड़ी उजाड़ना पड़ेगा। तो आज भाई सुबह से लग रहे हैं और पूरी दोपहर उतर गई, पहले तो पानी करके लाया, खेत भी बिल्कुल अलग पड़ा है अपना गोरे में। तो बाकी साथ के साथ सिंचाई भी कर रहे हैं और इन्हें उतार के इधर शिफ्ट कर रहे, वीडियो इसलिए बना रहे, देखते हैं आपका ये अनुभव इस तरीके से तार के क्या पौधा चल पाओगा सिंगल बर्ड का या नहीं चल पाने का वो भी पता चलेगा। देखो अनुभव तो काम करने से हुआ है, और यही अनुभव दूसरे भाई देख के सीख सके कि हमने इस तरीके से काम करा, इसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती, तो आगे को आने वाले समय के लिए एक अनुभव हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में जो अपने बड़े बतावे कि वो इस तरीके से कर लो, तो वो तो रहा नहीं, सब अपने हिसाब से चले, तो इन चीज़ों से भी पता चल जाए, क्योंकि हम तो वीडियो में कैद कर ला सब कुछ, ये काम करा रिजल्ट पॉजिटिव रहा या नेगेटिव, तो वो आपको दिखाई देगा। बाकी का देखो ये फावड़े से खुदवाने में भी कुछ पोहे सूखे, इस खेत की बड़ी समस्या है। अब की बार में अपने पास कोई खाली खेत था नहीं, तो जो ये बीज आया था ऐसे ही लगाना पड़ा है किसी खेत में।
बाकी की मिट्टी विट्टी डलवा के सारा काम करा था खेत में। पर चलो अभी तो गन्ना बुआई चल रही, खेत को जो है कुल मिला के ये है कि डंडने देते हैं, दोबारा बड़े बोना पड़ जाओ मुझे। परली तरफ से 7 खोड 11 0 15 के दोबारा बो दिए, बीच में 7-8 खोड हो जाएंगे इसमें 13-235 के, और बाकी का 11-082 5-6 खोड हो जाएंगे। इस तरीके से पूरे को पूरे झुंडे ठाकर शिफ्ट कर रखे, अभी दिखाऊंगा आपको वो भी। नीचे दिखा भाई, ये एक का एक पूरा इस तरीके से उतार लिया। आ जा भाई, ये देखो जी भाइयों 6 खोड तैयार कर दिए हमने, ये दिखा दो, पानी दे दिया 7 के 7, और इनमें जो है जो पोवे बच रहे हैं और ये भी ला कर लगा देंगे, और इसमें बोंगे भाइयों 13-235। सही चल रहा है भाई? तो भाइयों देखो ये 8 खोड जो है मैंने दोबारा से ट्रेंचर फिरा दिए इनमें, इनमें हम लेकर आए 13-235। तो ये 8 खोड हमारे खराब जाते, इसीलिए हमने इधर ये ट्रांसफर करा ताकि पूरा का पूरे खेत में ज्यादा नुकसान ना हो। 11-015 हो गया इधर, 13-235 हो गया 8 खोड, और 6 खोड हो गया भाइयों 11-082। 3 वेराइटीज खेत में होगी, बाकी अनन्या आई है वो आने के लिए। एक खोड़ का पानी भी टूट गया थोड़ा सा, कितने लेके जाएंगे छोटी साग करोगे? और चलो गिण का सा भैया।